मेरी आवाज आपको ठीक आ रही है? सब आवाज ठीक आ रही है सब? आ जी ठीक है, बहुत शुक्रिया सैनमजे साहब, आपको भी खुशामदीद कहता हूँ। हसन मुस्तफा सर आपको भी खुशामदीद कहता हूँ, और वकील मलिक साहब आपको भी बड़ी प्यार से बड़ी ईमान से अपने तीनों जजेस को, आपकी आवाज के इस प्लेटफॉर्म पर आज हमारा आखिरी दिन है ऑडिशंस का, इस हवाले से कुछ एडवाइस करना चाहेंगे आज जी बस हसन भाई? हसन भाई यही कहना जी, बस यही चाहूंगा कहना कि चाहूंगा तमाम जिन्होंने आज पे नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेइज्जती की है, वो मुकम्मल एतमाद के साथ है और अपनी जानिब से मुकम्मल जो महारत है वो सामने रखा के सामने रखा। इंशाअल्लाह होगा। और अपने इंटरनेट का बस ख्याल रखिए कि इंटरनेट आपका स्टेशन हो ताकि आपकी आवाज़ जो है वो हम आवाज़ जो है बखूबी पहुँच सके। जी सर, तो इस वक्त हमारे साथ हैं जी मोहम्मद यकूब साहब हैं, उनको जी यकूब भाई, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह वरकातुहू। वालेकुम सलाम। जी आपको मेरी आवाज़ ठीक आ रही है? आपकी आवाज़ क्लियर आ रही है। मोहम्मद यकूब साहब हमारे साथ, उम्र है 21 साल और इनका तअल्लुक है रहीम यार खान से। तो बिस्मिल्लाह कीजिए यकूब भाई, आपने एक अस्थाई और एक अंतरा सुनाना है। जी आवाज़ मेरी क्लियर आ रही है आपके पास? जी आपकी आवाज़ ठीक है। जी शुक्रिया। नबी का लबों पर जो जिक्र है बेमिसाल आया कमाल आया, नबी का लबों पर जो जिक्र है बेमिसाल आया कमाल आया, जो हिजरे तैबा मैं याद बनकर ख्याल आया कमाल आया, जो हिजरे तैबा मैं याद बनकर ख्याल आया कमाल आया, नबी का लब पर जो जिक्र है बेमिसाल आया कमाल आया, तेरी दुआओं की बदौलत अजाबे रब से बचे हुए हैं, तेरी दुआओं की बदौलत अजाबे रब से बचे हुए हैं, गमे उम्मत के तेरे लब पर सवाल आया कमाल आया, नबी का लब पर जो जिक्र है बेमिसाल आया कमाल आया, जो हिजरे तैबा मैं याद बनकर ख्याल आया कमाल आया। जी जजेस, हुसैन अब्दुल साहब क्या कहेंगे? मोहम्मद यकूब साहब थे, 21 साल उम्र है और रहीम यार खान से इनका ताल्लुक था। जी मैं ये कहूँगा कि कलाम का इंतखाब जो इन्होंने किया है
मैं समझता हूँ कि कलाम का इंतखाब इन्हें बहुत मुनफरिद और अछूता करना चाहिए था। कलाम वैसा नहीं है जैसा कि ऑडिशन के लिए होना चाहिए, और इनकी कंपोजिशन भी वैसी नहीं है जैसी कि होनी चाहिए। माशाल्लाह, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा पढ़ा, बहुत शुक्रिया जी। हसन साहब, हसन साहब क्या कहेंगे? सबसे पहले तो मुझे बताइए कि इनका नाम क्या था? नाम क्या था? मोहम्मद याकूब, उम्र है 21 साल, रहीम यार खान से इनका तल्ला गया। मैंने जितना सुना है, मैं भी भाई से कह सकता हूँ कि इसको जो कलाम ये लेकर आए हैं और जो कंपटीशन थी वो मुकाबले के लेवल की नहीं। इनको कोई ऐसी ऐसा कलाम लेकर आना कि इन्होंने देखे हैं हमारे ऑडिशन, तो इन्होंने देखा होगा कि जो लोग कलाम लेकर आ रहे हैं और कंपटीशन लेकर आ रहे हैं उसमें वेरिएशन लेके आते हैं, अपनी आवाज़ में जो उनकी खुफियाँ हैं उनको वो सामने लेकर आते हैं, ताकि हम जज साहबान जो हैं वो उनको बखूबी देख सकें कि आवाज़ महारत कर। जो उन्होंने पढ़ा उसके मुताबिक अच्छा था, अल्लाह ताला उनकी तरफ से। जी बहुत शुक्रिया जी। अकील साहब जी, याकूब साहब दो माहिर नात खान हैं, हुसैन अमजद साहब और हसन मुस्तफ़ा साहब, इन्होंने माहिराना राय दी है और टेक्निकल हवाले से गुफ्तगू की है। शायरी के अतबार से ज़ाहिर है कि नातिया कलाम कोई भी कहे, जैसा भी कहे, वो सर आँखों पर होता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन ये ज़रूर है कि जब आप मुकाबले के लिए लाएं तो कलाम सजा सजाया हुआ होना चाहिए, आप केल में होना चाहिए कि जिनकी शान में आप कलाम पेश कर रहे हैं, जिस बारगाह में आप सलाम पेश कर रहे हैं, नात पेश कर रहे हैं, वो दरबार, वो बारगाह, वो दरे अक़दस कितना बुलंद, अरफा और ख़ूबसूरत है। तो हमें उस खूबसूरती को ध्यान में रखना चाहिए कि हमारी जमालियात भी उस सतह की हो जिस सतह का वो दरबार है, जिस सतह का वो दर है। तो आपने अपनी तौफीक के मुताबिक ही पेश करना है, लेकिन उसको सजा के पेश करना चाहिए। आप अपनी सिलेक्शन में चूजी हो जाएं कि ये कलाम जो है वो उनकी बारगाह में मैं पेश करने जा रहा हूँ, तो कबूलियत की सनद वहाँ से हासिल होनी है। तो जब आप जहन में ये रखेंगे तो यकीनन आप अपना कलाम जो इंतखाब करेंगे वो अरफा होगा, वो बुलंद होगा, वो बहुत नपतुला होगा, वो अपनी फसाहत, वो अपनी बलागत के अतबार से बहुत अच्छा होगा। तो इस तरफ ध्यान देना चाहिए। दूसरा वही मसला है कि आप नाक ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, नेजल साउंड्स ज़्यादा इस्तेमाल कर की हैं इन्होंने, तो उससे बचना चाहिए। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया अकील साहब। और अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारे साथ आगे कौन है और बात करते हैं हम प्यारे भाई से। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम सलाम, क्या आपको आवाज ठीक आ रही है? जी सर, आवाज ठीक आ रही है। हमारे साथ हैं जी समरीन साहिबा, और बिस्मिल्लाह कीजिए। बेखुद किए देते हैं अंदाज हिजाबाना, आदिल तुझे रख लूं, आदिल में तुझे रख लूं, जलवाए जाना, आदिल में तुझे रख लूं, इतना तो करम करना ए चश्मे करीमाना,
जी माशाल्लाह बहुत खूब। और जी हुसैन अमजद साहब सर क्या कहेंगे? बहुत अच्छा कलाम और इन्होंने बहुत अच्छा पढ़ा। सिर्फ इतना कहूँगा कि ये मिस्रे का आखिरी हिस्सा थोड़ा सा ये उजलत में ये पढ़ती हैं और ये है कि थोड़ी सी नर्वस भी हैं। मजमूई तौर पे इन्होंने बहुत खूबसूरत पढ़ा, कलाम भी बहुत अच्छा है और माशाल्लाह अच्छा पढ़ा रहा हूँ। सुभान अल्लाह सुभान। अकील मलिक साहब क्या कहेंगे? जी कलाम मैंने सुना, बहुत अच्छा इन्होंने सिलेक्ट किया था और थोड़ा से तलफ़ुज़ के ऊपर इनको तवज्जो करनी चाहिए और सुर जब इन्होंने उठाए हैं और आखिर में आकर थोड़े से आउट हो गई हैं, सुर से बाहर चली गई हैं, तो इस पर तवज्जो करनी चाहिए। अल्लाह इनकी तौफीकात में इज़ाफ़ा फरमाए। जी बहुत शुक्रिया अकील साहब। जी हसन साहब हसन भाई आपको आवाज आ रही है? विकास भाई हसन भाई आप नेटवर्क में कुछ आपको मेरी आवाज आ रही है? जी आपकी आवाज आ रही है। चलिए ठीक है समीन साहब, बहुत शुक्रिया आपका। हम अब आगे बढ़ते हैं तो आपका जो रिजल्ट है वो बाद में जैसे होगा तो वो काउंट कर लेंगे हमारे हसन भाई। तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारे साथ इस वक्त कौन है। जी फैजान रसूल कादरी साहब हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह वरकातुहू। प्यारे भाई क्या हाल है, कैसे मिजाज हैं आपके? फैजान आपको मेरी आवाज आ रही है? फैजान आपकी आवाज मुझे नहीं आ रही, आपको मेरी आवाज आ रही है? अब आ रही है? जी आपकी आवाज आ रही है। प्यारे भाई क्या नाम है आपका? फैजान रसूल कादरी, उम्र है 17 साल, लोधरा से आपका तलक है। फैजान ही है ना आप? जी हाँ जी हाँ। बहुत शुक्रिया अली भाई। जी बिस्मिल्लाह कीजिए, आपने एक अस्थाई और एक अंतरा सुनाना है, आगाज कीजिए। ठीक इंशाल्लाह। ऐसा खाली करने बनाया तेरा तालिबे निदा कौन बनाए गए तेरे कार की बाते, कौन बनाए
हाते नैन की हाते तुम्हें सरकार बनाया तेरा तानी में इदार बनाया माशाल्लाह जी, माशाल्लाह जी। जी ये जितना मैंने सुना बहुत वाजा तो मुझे इनका कलाम नहीं सुनाई दिया, लेकिन कुछ कुछ जो सुनाई दिया वो ये है कि इनकी माशाल्लाह रियाजत बहुत अच्छी है और बहुत आसानी से इन्होंने नात पढ़ी और कलाम को बहुत उमदा तरीके से पढ़ा। ऊपर नीचे दोनों जगह जो है ये आसानी से अस्थाई अंतरा उन्होंने पढ़ा है माशाल्लाह। फिर भी इन्हें मश्क की रियाजत की ज़रूरत है। जितना मैंने सुना है इनकी आवाज़ गो के वैसी साफ़ और वाजे नहीं है कि रियाजत की वजह से हो जाएगी, लेकिन जो मैं समझता हूँ भरपूर पढ़ा है। जी बहुत शुक्रिया, जी बहुत बहुत शुक्रिया जी। अकील साहब, अकील साहब जी, मैंने सारी इनकी आवाज़ सुनी है, जैसे कि हुसैन अमजद साहब ने कहा कि ये सुर में अपने लय में बिल्कुल दुरुस्त हैं, अपने राग में इन्होंने बिल्कुल दुरुस्त जगह ली हैं। आवाज़ थोड़ी सी साफ होने की ज़रूरत है, वो ज़ाहिर है रियाजत के साथ इनकी आवाज़ सॉफ्ट हो जाएगी। निचले सुरों में थोड़ा सा इनकी आवाज़ दबती है, जब ये वापस पलटते हैं सम की जानब तो वहाँ पर थोड़ा सा इनको दिक्कत महसूस होती है। तो ये महसूस नहीं होनी चाहिए कि एक नातखान जो है वो किसी दिक्कत का शिकार है। ओवरऑल अच्छी परफॉर्मेंस थी। जी जी बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं जी, देखते हैं हमारे साथ इस वक्त कौन है। मोहम्मद साद हैं जी हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। प्यारे भैया आपको आवाज आ रही है? साद आपकी आवाज नहीं आ रही, नहीं आ रही। साद आपको मेरी आवाज आ रही है? हेलो साद भाई, आप दोबारा ज्वाइन कीजिए, मैं आपको रिमूव करता हूँ, आप दोबारा ज्वाइन करिए। लिंक से रिमूव मैं आपको कह रहा हूँ, आप दोबारा ज्वाइन कीजिए। आगे बढ़ते हैं जी, हमारे साथ कौन है? वजात हैं। अस्सलाम वालेकुम प्यारे भाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू सर। क्या नाम है प्यारे भाई आपका? वजात सलीम साहब है हमारे साथ। उम्र है 19 साल और सहवाल से इनका तल्लक है। जी बिस्मिल्लाह कीजिए, आपने एक अस्थाई और एक अंतरा सुनाना है। जी खुशबू है दो आलम, है तेरी ऐ गुल की खुशबू तेरी ऐ
से से किस मुँह से बयां हो तेरे औसाफ़े हमीदा तुझ सा तुझे सा न आए गजहां में तुझे सा कोई आया है ना आएगा जहाने देता है गवाही यही आलम का जरीदा खुशबू है तो आलम तेरी ऐ बुल की किस मुँह से बयां हो तेरे औसाफ़े हमीदा। माशाल्लाह जी, बहुत खूब, बहुत उम्दा जी। हसन भाई आपको आवाज आ रही है? जी, इनका नाम क्या है? बजा सलीम इनका नाम है सर, और उम्र है 19 साल, साहिवाल से इनका तल्लक है। जी, आपको मेरी आवाज आ रही है वकास भाई? सर आपकी आवाज आ रही है, आप बात कीजिए। वजाद सलीम इनका नाम है और 19 साल इनकी उम्र है। आवाज का मसला आ रहा है। जी माशाल्लाह, इन्होंने खुशबू है दो आलम में तेरी है गुले चीदा, मशहूर मारूफ कलाम है हफीज़ ताइब साहब का, वो कलाम इन्होंने सुना, बहुत अच्छा किया। लेकिन कलाम में अपनी वेरिएशंस जो है ना, वो कुछ ज़्यादा लाने की कोशिश की है इन्होंने, जिसमें मेरे ख्याल में जिससे कलाम का जो एक तसलसल है वो बरकरार नहीं रहा। अच्छा पढ़ा है अपने अंदाज में इन्होंने, ठीक है, अल्लाह ताला इनकी तौफीकात में इजाफा फरमाए। लेकिन इनको कोशिश करनी चाहिए मज़ीद अपनी आवाज़ पर, आवाज़ भी इनकी थोड़ी सी ख़राब लग रही थी। ओवरऑल एक अच्छी परफॉर्मेंस है, ठीक है, अल्लाह ताला इनकी तौफीकात में इजाफा। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया जी। हुसैन आप क्या कहेंगे? वजह सलीम साहब उम्र है 19 साल और साहिवाल से इनका तल्लक है। वजात ने बहुत कॉन्फिडेंस से पढ़ा है, इसने
बहुत उम्दा तरीके से पढ़ी है और पूरे सुरों से पढ़ी है और बहुत वाजा पढ़ी है। माशाल्लाह इनका ग्राम बहुत अच्छा है। ऊपर जो अंतरा की बात है वहाँ पे इनकी आवाज़ वैसी खूबसूरत भी नहीं रहती और ज़्यादा साफ भी नहीं रहती। और ग्राम में इन्होंने जो जितना भी कलाम पढ़ा है, अस्थाई जितनी बार भी पढ़ा है, बहुत खूबसूरत पढ़ा है और उसमें रचाव भी है और हुस्न भी है। और माशाल्लाह ये है कि इनको ऊपर भी थोड़ी सी रियाजत करनी चाहिए। मजमूई तौर पर बहुत अच्छा इन्होंने परफॉर्मेंस दिया, बहुत अच्छा पढ़ा है। सर बहुत शुक्रिया। हफीज़ साहब का बहुत खूबसूरत और उम्दा कलाम जिस पर मुख्तलिफ शोरा ने भी इसी ज़मीन में नाते लिखी और तकरीबन जितनी भी मैंने इस ज़मीन में नाते पढ़ी हैं बहुत उम्दा ही कलाम सब ने लिखा है। एक तो ये है कि इनको तवज्जो देनी चाहिए कि जब ये शेर पढ़े तो शेर है क्या। जैसे इन्होंने पहला जो मिसरा पढ़ा था, खुशबू है दो आलम में तेरी ए गुल चीदा, तो ये इजाफत के साथ है गुले चीदा, खुशबू है दो आलम में तेरी ए गुले चीदा। तो इस तरफ तवज्जो देनी चाहिए कि जो लफ्ज जिस अंदाज में शायर ने बरते हैं वैसे ही इनको बरतने चाहिए। सुर और ताल का मतलब ये नहीं होता कि आप जो शायर के लफ्ज़ बढ़ते गए लफ्ज़ हैं उनको बदल दें या उसमें कुछ अपनी तरफ से तरमीम कर लें, ऐसा नहीं होता। ज़ाहिर है कि जब आप इजाफत के साथ करेंगे तो उसके माने कुछ और होंगे और वैसे कुछ और होंगे। तो इस तरफ तवज्जो करनी चाहिए, कलाम समझ के पढ़ने से आप ज़्यादा खूबसूरत और ज़्यादा लुत्फ़अंदोज़ होकर आप सुना सकते हैं। तो जितना आपको समझ में आएगा कलाम उतनी आप खुद उससे लुत्फ हासिल करेंगे, तो इस तरफ आपको तवज्जो करनी चाहिए। जी सर बहुत शुक्रिया। आपको भी और जितने भी दोस्त मुझे सुन रहे हैं काइंडली इस लाइव को शेयर कीजिए और आगे बढ़ते हैं। हमारे साथ देखते हैं सर कौन है, एक दफा फिर हमारे साथ है जी मोहम्मद साहब। प्यारे भाई कैसे हैं? प्यारे भाई कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह जी, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। आपको आवाज ठीक आ रही है? आवाज ठीक आ रही है जी, बिल्कुल ठीक आ रही है जी। आगाज कीजिए जी, आगाज कीजिए। हम सुए चलेंगे शहे अबरार के काफिला सालार के काफिला हो गरवां, काफिला सालार के साथ हम सुए हर्ष चलेंगे ये तो तय महाबत का असर है वरना ये तो ते बा
درو دیوار کے ساتھ کون روتا ہے لکھ کر درو دیوار کے ساتھ سوئے حشر چلے گے جی بہت شکریہ پیارے بھائی محمد صاحب عمر ہے 17 سال کٹک سے ان کا تعلق ہے جی حسین امجد صاحب اور حسان بھائی جی کیا نام بتائیں ان کا سر محمد صاد کٹک سے صاد اچھا محمد فاد ساتھ سین جی ساتھ جی جی ساتھ انہوں نے جو کلام پڑھا ہے اور جو کمپوزیشن ہے اس کی یہ بہت مشکل ہے اس کے لیے وہ نعت خوان یہ کلام سلیکٹ کرے جس کا بیس اور اس کا جو ہے ٹیپ کے سر جو ہو بہت واضح ہیں تو انہوں نے جو نعت سلیکٹ کی ہے یہ ان کے گلے کے مطابق پرفیکٹ نہیں ہے گلا ان کا ساتھ نہیں دے رہا ان کی اس نعت پڑھنے کے لیے اس نعت کے لیے بہت زیادہ ریاضت چاہیے اور جو سریں اس کے لیے درکار ہیں وہ گلا ان کا جو ہے وہ سریں ادا نہیں کر رہا ادائیگی بھی ان کی کمزور ہے اور ان کا تلفظ بھی ٹھیک نہیں ہے رہا نعت پڑھنے کا جو ہے انداز ہے وہ ان کا اچھا ہے لیکن گلا ان کا ویسا نہیں جی سر بہت شکریہ جی عقیل صاحب سعد اوورال ان کی آواز تو خوبصورت ہے لیکن جو کلام انہوں نے اپنے لیے چنا ہے وہ اپنے لیے زیادہ چیلنج کر دیا اپنے آپ کو دیکھیں یہ جو ایکچولی میری پسندیدہ نعتوں میں سے ہے 7.5 ماترے میں یہ آتی ہے لیکن جب انہوں نے پڑھی ہے تو اتنا اس کو لیگ کرتے ہیں کہ یہ اس کے تقریباً 12.5 اور 13 کے قریب ان کے ماترے چلے گئے ہیں اچھا اسی وجہ سے جیسے حسین امجد صاحب نے کہا کہ ان کا جو گلا ہے وہ ساتھ نہیں دے پا رہا تو وہ اسی وجہ سے تھا کہ جو ان اس کی اصل کمپوزیشن ہے اگر ویسے اس کو ویسے ہی پڑھتے تو شاید گلا اس کا ساتھ دے دیتا لیکن چونکہ وہ بہت سلو پڑھا ہے انہوں نے اور تھوڑا سا کھینچ کے پڑھا تو وہ ان کے لیے دقت کا اس میں سبب پیدا ہو گیا تو اس طرف ان کو دھیان دینا چاہیے کہ جیسے ان کا گلا ہے ویسے ہی ان کو نعت اور ان کی کمپوزیشن جو ہے وہ سلیکٹ کرنی چاہیے جی سر بہت شکریہ جی حسان بھائی میں ان کے کلام کو مکمل طور سے سن نہیں سکا میں ان شاء اللہ ریکارڈنگ سن کے پھر میں مار دوں جی بہت شکریہ جی آگے بڑھتے ہیں ہمارے ساتھ ہیں نوحیز عمر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ پیارے بھائی آپ کو میری آواز آ رہی کیسے ہیں بھائی ٹھیک ہیں آپ جی آپ کی آواز بالکل ٹھیک ہے میں آپ کی آواز اور کام بہت شکریہ ادا کرتا ہوں جی 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 میں سٹارٹ کروں پڑھنا جی بسم اللہ کیجیے نوحیز عمر ہیں جی سیالکوٹ سے ان کا تعلق ہے اور عمر ہے 24 سال سمجھا نہیں میرا عشق بے صفا تو کائنات حسن
इश्क है या उसने आना समझा नहीं दोनों इक हाली के जहां है तो एक माँ लिखे जहां एक हाली के जहां है तो एक मालिक जहां तू जाने कायनात है या वजह नूर मेरा इश्क बेसबा माशाल्लाह जी ये हैं जी हमारे साथ महेश उम्र सियालकोट से इनका तलक है और उम्र है 24 साल जी हसान भाई जी नौखेज उम्र सियालकोट से हैं समझा नहीं उन्होंने मेरा इश्क बेसबाब इन्होंने कलाम पढ़ा कलाम बहुत खूबसूरत कलाम है लेकिन इसमें इन्होंने तलफ्फुज में बहुत जगह पे और कलाम में एक मिसरा बिल्कुल ही गलत पढ़ा है। एक तो सियालकोट की दरअसल जो बोलने वाले हैं सियालकोट में जो रहने वाले हैं मैंने अक्सर इस चीज़ को देखा है कि वो खे जो है खे का लफ्ज इसको सही तौर पर अदा नहीं करते इसको हे के तौर पर इस्तेमाल करते जैसे एक हाली के जहाँ है उन्होंने शेर पढ़ा तो उसे एक हाली के जहाँ कहा ये हाली के जहाँ नहीं बल्कि खाली के जहाँ है तो तलफ्फुज की अदायगी है वो बहुत अहम हुआ करती है। उसके अलावा इन्होंने एक दूसरा है इन्होंने पढ़ा कि तू जाने कायनात है या वजह कायनात मिसरा ऐसे नहीं है मिसरा ये है कि एक खाली के जहाँ है तो एक मालिक के जहाँ एक कायने कायनात है एक वजह कायनात तो ये मिसरा इन्होंने मुकम्मल जो है ये गलत पढ़ा है तो ये तो इनकी बहुत बड़ी एक गलती की है। इसके अलावा इन्होंने बाकी सुरों के हवाले से रहे हैं उसी फ्रेम के अंदर जो इस तर्ज की है फ्रेम में अच्छा पढ़ा है अल्लाह ताला इनकी तौफीकात में इजाफा फरमाए लेकिन तलफ्फुज़ की अदायगी पर बहुत ज़्यादा ध्यान दें और कोशिश करें कि एक कलाम जो आप पढ़ने वाले हैं और दुनिया जिसको सुनने वाली है उसको मुकम्मल तौर पर पढ़ें कहीं पर कोई गलती नहीं होनी चाहिए मिसरा गलत नहीं पढ़ना चाहता अल्लाह ताला आप पर अपना शुक्रम ना जी सर बहुत शुक्रिया और जी हुसैन अहमद साहब आप क्या कहेंगे जी हसान भाई ने बहुत खूबसूरत गुफ्तगू की बहुत तफसील से बताया मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि ये जिस कंपटीशन का जब ये इंतखाब करते हैं तो दाद देनी पड़ेगी कि कंपटीशन ये बहुत अच्छा इंतखाब करते हैं राग का भी बहुत अच्छा इंतखाब और उसके लिए इनका गला नहीं वहाँ जो कंपटीशन ये सिलेक्ट तो कर लेते हैं लेकिन उस सतह पे खुद अपने आप को भी लाए ना तब जाके जो है ना वो जो है वो अच्छी नात पड़ी जाएगी आपका गला आपका साथ देगा पूरी सेहत से अदा होगी पूरे सुर अदा होंगे तो फिर खूबसूरती आएगी। सिर्फ ये कि इंतखाब करने की बात नहीं है रियाज करने की बात रियाजत करें फिर ये जो है ना ऐसी नात बिल्कुल ये पेश करें जी बहुत शुक्रिया साहब और जी अकील साहब हसन भाई ने साहब
चले जी आगे बढ़ते हैं। अकील साहब का शायद इंटरनेट का थोड़ा सा इशू है, तो देखते हैं हमारे साथ आगे कौन है। इनका इनका नाम रिपीट कीजिए। नोहेज इनका नाम रिपीट कीजिए। नोहेज उम्र 24 साल सर कोर्स है। नहीं आपकी आवाज मुझे सुनाई नहीं दे रही। निकाह का नोहेज उम्र जी 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 अब ठीक हो जी। अस्सलाम वालेकुम प्यारे भाई, कौन सा कहां से? इमरान खानी साहब आपको मेरी आवाज आ रही है? सर अपना कैम ऑन कर लीजिए और बिस्मिल्लाह कीजिए। मेरी आवाज आ रही है जी? आपकी आवाज आ रही है, अपना कैम ऑन कीजिए। जितने दोस्त हमारे साथ इस वक्त जुड़े हैं मैं उनसे दोबारा गुजारिश करूंगा कि अपना कैमरा ऑन करके अपना इंटरनेट चेक करके आप लोग ज्वाइन किया करें, इससे फिर वक्त हमारा जो है जाया होता है और बाकी जो नीचे दोस्त बैठे होते हैं उनके लिए प्रॉब्लम्स होती हैं। तो आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं हमारे साथ कौन है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह वबरकातुहू। प्यारे भाई क्या नाम है आपका? वालेकुम सलाम हसनैन इशफाक जी। हसनैन इशफाक साहब हमारे साथ, उम्र है 21 साल और इनका तल्लक मरी से है। बिस्मिल्लाह कीजिए। हसनैन इशफाक लजे पाले नबी मेरे दर्दादी दवा देना, लजपाल नबी मेरे दर्दादी दवा देना, जदों वक्त नजायावे आका, जदों वक्त नजायावे दामन की हवा देना, मैं नात तेरी पढ़ना, मैं जिक्र तेरा करना, मैं नात तेरी पढ़ना, मैं जिक्र तेरा करना, इस जिक्र दी बरकत नाल, इस जिक्र दी बरकत नाल मेरी कब्र बसा देना, लजपाल नबी मेरे, लजपाल नबी मेरे दर्दां की दवा देना, जदों वक्त नजायावे, जदों वक्त नजायावे दामन की हवा देना। जी बहुत शुक्रिया जी। हसन भाई आपको मेरी आवाज आ रही है? जी मुझे आपकी आवाज आ रही है जी। हसनैन इशफाक साहब है, उम्र है 21 साल, बरी से इनका तलक है, क्या कहेंगे जी? फिर वही एक मामला है जो बार बार कुछ इंटरेस्टिंग्स के साथ हमारे सामने आ रहा है,
कि वो मुकाबले में आ तो रहे हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं, लेकिन मुकाबले वाला कलाम, मुकाबले वाला वाली कंपोजिशन जो है वो लेकर नहीं आ रहे। मैं समझता हूँ कि जो आजकल के बच्चे हैं उन्हें सोचना चाहिए कि आज़म चिश्ती साहब, कारी ज़ुबैर रसूल रहमतुल्लाह ताला अलैह, मोहम्मद अली ज़हूरी साहब, मंजूर हुसैन साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह, ये बड़े बड़े नाम हैं जो कि हमारे दौर में, हमारे दौर से व्यवस्था दौर है, दौर से हमें नात जो हकीकी मानों में मिली है वो इन अस्हाब से मिली है। हमें कोशिश करनी चाहिए कि हमारी जो नस्ल है वो इन लोगों को सुने, ताकि उनको आगाही हो कि नात जो है, नात का असल रंग क्या है और नात की कंपोजिशन कैसी होती हैं, नात किस अंदाज में पेश करनी होती है। एक वाजिबी सी तर्ज लेकर आए हैं मुकाबले के अंदर। मैं समझता हूँ कि जब एक मुकाबले में खुशबू है दो आलम में तेरी है गुले चीदा वो पढ़ी जा रही हो, उस नात के मुकाबले में जब ये कंपोजिशन सुनी जाएगी तो हम किस तरह से जज कर सकते हैं। जो भी आप कलाम लेकर आने वाले हैं उस पर आप गौर कीजिए कि ये कलाम मुकाबले वाला है, ये कंपोजिशन मुकाबले वाली है या नहीं। इसके अलावा मजीद बाकी उन्होंने जो पढ़ा अल्लाह ताला इनके आपसे मोहब्बत में इजाफा फरमाए और इनकी मोहब्बत में रोज दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करे। बहुत शुक्रिया सर। और अभी बढ़ते हैं हुसैन अहमद साहब की तरफ। जी हुसैन अहमद साहब, आप क्या कहेंगे? जी मैं भी यही कहूँगा कि ऑडिशन के लिए चुनिंदा कलाम होना चाहिए, इसी तरह जो कंपोजिशन भी ऐसी होनी चाहिए जो मुतासिर करे, आसानी से आप जो पढ़ें और जो अच्छी लगे। ये है कि मैं समझता हूँ कि ये कलाम जो उन्होंने पढ़ा है ये ऑडिशन के लिए किसी तरह भी मुनासिब नहीं है और इनका तलफ़ुज़ भी ठीक नहीं है, कलाम भी मयारी नहीं है। तो ख्याल करना चाहिए कि हम ऑडिशन के लिए आए हैं और कलाम किसी को दिखा के, किसी को सुना के फिर आ पाएं। सर बहुत शुक्रिया। जी यकीन मलिक साहब, आप क्या कहेंगे? जी मैं हसन भाई की जितनी बातें हैं उनसे इत्तेफाक करता हूं। जी बहुत शुक्रिया अकील मलिक साहब। और आगे बढ़ते हैं जी, देखते हैं हमारे साथ इस वक्त कौन है। इफ्तिखार है जी, इफ्तिखार खटामा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह वरकातुहू। प्यारे भाई आपको मेरी आवाज आ रही है? जी। प्यारे भाई क्या नाम है आपका और कहाँ से हैं? आपने किस नाम से रजिस्ट्रेशन करवाई है? मजरुल हक कादरी सियालकोट से। मजरुल हक कादरी सियालकोट से। जी बिस्मिल्लाह आगाज कीजिए, बिस्मिल्लाह कीजिए। जी बिस्मिल्लाह कीजिए। आवाज मेरी सही आ रही है? जी आपकी आवाज बिल्कुल ठीक आ रही है, आगाज कीजिए। मजरुल हक कादरी की उम्र है 24 साल, सियालकोट से इनका तल्लुक है। काश वो चेहरा मेरी आँख ने देखा हो काश वो चेहरा मेरी आँख ने देखा होता, मुझको तकदीर ने उस दौर में ले खा होता, मुझको तकदीर ने उस दौर में ले खा
और बातें सुनता मैं कभी पूछता मानी उनके बातें सुनता मैं कभी पूछता मानी उनके आपके सामने असहाब में बैठा होता आपके सामने असहाब में बैठा मुझको तकदीर ने उस दौर में ले होता। माशाल्लाह जी बहुत खूब जी। जैसे हसान भाई क्या कहेंगे जी। मजहरुल हक कादरी साहब सियालकोट से हैं। उन्होंने जो कलाम का इंतखाब किया, जिस कंपोजिशन का इंतखाब किया, मेयारी और बहुत अच्छी कलाम भी है और खूबसूरत उसकी कंपोजिशन है। अहिर गैरत काश को चेहरा मेरी आँख में देखा होता। तो मैं ये कहता कि अपनी आवाज़ पर मज़ीद मेहनत करें, अपने तलफ़ पर भी मज़ीद मेहनत करें। तकदीर इस मिसरे में बहुत अहम अफजल तकदीर आप जो है उसको मोटा खुद करके पढ़ना होता है। ये बहुत ज़रूरी है ताकि दोनों काफ की आवाज़ में जो तक है वो नुमायाँ हो तकदीर। और इसके अलावा मैं इनको बस ये कहूँगा कि आवाज़ आपकी अच्छी है, आप अपनी आवाज़ से मेहनत भी कीजिए। आपने आज भी अच्छा पढ़ा, अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। आवाज़ पर अल्फाज पर ध्यान दीजिए, मुकम्मल तैयारी कर पाइए। अल्लाह ताला आप पर अपनी जारी दस्तारी रखें और आप आपके साथ में बनी। बहुत शुक्रिया हसान साहब। और जी हुसैन अंडर साहब आप क्या कहेंगे जी। कलाम बहुत खूबसूरत इन्होंने इंतखाब किया कलाम का, लेकिन इनकी आवाज़ स्पॉट आवाज़ है। इनकी कंपोजिशन में जो खूबसूरती के लिए जगह बनाई गई हैं, ये इनकी आवाज़ मुतहमल नहीं है वो जगह अदा करने की, क्योंकि ये स्टेट पढ़ रहे हैं और कंपोजिशन में जो खूबसूरती रखी गई है वो जगह ये इन्होंने इस्तेमाल नहीं की, ना इनसे अदा हुई हैं, जिसकी वजह से रचाव नहीं पैदा हुआ, वो खूबसूरती ये नहीं ला सके। और दो तीन जगह पर ये बेसुर भी हुए हैं और बहुत वाजह तौर पर, और अदायगी भी हसान भाई ने वो बात कर दी है, तो इन्हें रियाजत की ज़रूरत है। बार बार मैं यही कहूँगा कि कलाम आप दिखाएं, तलफ़ुज़ आप दिखाएं, उसके बाद आप रियाज करें। जैसे आप रियाज करेंगे, अगर आपका तलफ़ुज़ है तो आदत बन जाएगी, जहाँ भी पढ़ेंगे आप गलत पढ़ेंगे। एडिशन के लिए आप चेक कराएं कलाम को और किसी उस्ताद नात खान के पास जाएं, उन्हें अपनी नात सुनाएं, उसके बाद एडिशन के लिए आएँ, तो तब जाके जो है आप मुतासर कर सकेंगे। जी बहुत शुक्रिया हुसैन अहमद साहब। और अकील मलक साहब की तरफ बढ़ते हैं जी। अकील सर क्या कहेंगे? जी दोनों चीज़ें साहिबान ने बड़े खूबसूरत गुफ्तगु की। मैं सिर्फ एक बात करना चाहूँगा कि जब ये निचले सुरों में आते हैं तो उनकी आवाज़ थोड़ी सी खराश, जैसे गले में खराश होती है वैसे आना शुरू हो जाती है। तो मेरा नहीं ख्याल कि इनका गला ख़राब है या नहीं, मुझे नहीं अंदाज़ा इस बात का, लेकिन जब ये नीचे सुर में आए थे तो इनके गले में खराश जो है वो वाज़े तौर पर वो जो है महसूस की जा सकती थी।
मेरे ख्याल में रियाजत की थोड़ी सी कमी है, बाकी कलाम तो ज़ाहिर उम्दा था, और जो जगह हुसैन अमजद साहब ने कहीं, आसान भाई ने कहीं, वो तो ज़ाहिर अपनी जगह पर दुरुस्त हैं, इस तरफ इनको तवज्जो करनी चाहिए। सर बहुत शुक्रिया चीज मलिक साहब। अब आगे बढ़ने की देखते हैं हमारे साथ कौन है, और हमारे साथ हैं जी इस वक्त कासिम अली साहब। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह वरकातुहू। वालेकुम सलाम। कैसे हैं कासिम अली, आपको आवाज़ ठीक आ रही है? जी जी बिल्कुल ठीक आ रही है अल्हम्दुलिल्लाह। कासिम अली हैं जी हमारे साथ, उम्र है 26 साल, मंडी बावलदीन, हालिया से इनका तल्लक है जी। बिस्मिल्लाह कीजिए, आगाज़ कीजिए, एक अस्थाई और एक अंतर सुनाना है। तेरे आस्तां से पहले कोई आस्तां नहीं था, तेरे आस्तां से पहले कोई आस्तां नहीं था, वो जमीन था मैं ये जिसका, कोई आसमान नहीं था, तेरे क्या बात है, बहुत खूब। तू जवाज़े कुफ़कां है, तू हीरा दो जहां है, तू जवाज़े कुफ़कां है, तू ही राज़े दो जहां है, तू कहां कहां नहीं है, तू कहां कहां नहीं था, तेरे आस्तां से पहले कोई आस्तां नहीं था, वो जमीन था मैं जिसका, कोई आसमान नहीं था, तेरे आस्तां से पहले। माशाल्लाह बहुत खूब कासिम अली जी। जतिस हसान भाई क्या कहेंगे? माशाल्लाह माशाल्लाह, खुश आमदीद कासिम अली, बहुत बहुत खूब आपने पढ़ा। आपने जब आलाप लिया तो पहले आपने कहा हा हा की आवाज निकाली, तो मेरे जहन में फौरन आया कि मैं इनको बताऊंगा कि हा अलाप जो है उसमें हा नहीं होता, उसमें बल्कि आ की आवाज आती है। तो आपने फिर दोबारा जब अलाप उठाया तो बहुत माशाल्लाह ऐसे था कि जैसे आप मेरी आवाज आप तक पहुंच चुकी थी, और उसके बाद माशाल्लाह आपने कलाम का इंतखाब बहुत खूब किया, मंजूरुल फनैन रहमतुल्लाह ताला अलैह उनका पढ़ा हुआ कलाम, और ये कंपोजिशन ऐसी है कि वो तो कोई ऐरा गहरा बंदा पढ़ नहीं सकता, इसको पढ़ने के लिए एक अच्छा गला होना, एक मजबूत आवाज़ का होना, और फिर उसके बाद महारत का होना भी बहुत ज़रूरी है। तो मुझे लग रहा है कि आप माशाल्लाह सीख भी रहे हैं, और आपसे ये नाच सुनते हुए मुझे अपने बहुत ही प्यारे दोस्त, बहुत ही खूबसूरत सना खान जनाब नुमान जाहिद भाई, तो उनकी आवाज़ याद आ रही थी,
वो भी मंजूर फनैन साहब के शागिर्द हैं और बहुत ही खूबसूरत क्लास पढ़ने वाले हैं, माशाल्लाह पढ़ा है, इंशाल्लाह आपकी आवाज हम सुनते रहेंगे। माशाल्लाह माशाल्लाह जी, हुसैन अहमद साहब आप क्या कहेंगे? जी पहले तो मुझे इनका नाम रिपीट करें, इनका नाम कासिम अली है जी, हमारे साथ मंडी बाबुद्दीन, हालिया से इनका तलक है और 26 साल इनकी उम्र है। कासिम अली जी, कासिम अली जी, जी कासिम अली, अब तक जितने भी मैंने कलाम सुने हैं कासिम अली ने अपनी आवाज के मुताबिक कंपोजिशन का इंतखाब किया है, जिस तरह इनका गला काम करता है, इनका बेस गला है और कंपोजिशन टोटली इन्होंने ऊपर भी बेस में ही पड़ी है, ऊपर कितने सुर गए हैं लेकिन इनकी आवाज में जो घन गरज है वो बरकरार रही है और इनके सुर पक्के और जितनी जगह इन्होंने ली है बहुत पुख्ता और कहीं भी ये इन्होंने इजाफी काम नहीं किया, एक महदूद सर्कल जो डिमांड था उसी में रह के इन्होंने बहुत भरपूर कलाम पढ़ा भी है, कलाम भी बहुत खूबसूरत और इनकी अदायगी और सुरन के पक्के और सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह बहुत अच्छा, बहुत माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत खूब। अब बढ़ते हैं जी अकील मलिक साहब की तरफ और अकील मलिक साहब से सुनते हैं वो क्या कहते हैं कासिम अली के बारे में। नात खान की एक खूबी ये भी होनी चाहिए कि जब वो नात पढ़े तो जो सुनने वाले हैं उनका जी चाहे कि उसको सुनते रहें। कासिम अली साहब बिल्कुल ऐसे ही नात खान हैं कि जब मैं इनको सुन रहा था तो मैं ये सोच रहा था कि ये जो अस्थाई और अंतरा हमने कहा इसको हम छोड़ दें और इनको कहें कि ये सारा कलाम हमें सुना दें, तो इतना खूबसूरत पढ़ा और हमें वो आवाज़ जिसकी हमें तलाश थी शायद एक आवाज़ हमें उनमें से मैसर आई है और उम्मीद है कि ये हम हमारे साथ आइंदा रहेंगे, बहुत खूबसूरत दिल को छूने वाले। बहुत शुक्रिया अकील मलिक साहब और बहुत शुक्रिया कासिम अली, सलामत रहें इंशाल्लाह आगे मुलाकात होती है आपसे। वेलकम बैक जी, जितने दोस्त हैं सब दोस्तों को खुशामदीद, बड़ी जी प्यार से बड़ी जी मान से खुशामदीद कहता हूँ, काइंडली इस लाइक को शेयर कर दिया करें और जो नए दोस्त जुड़ते हैं हमारे साथ उनसे यही गुजारिश करूँगा वो हमारे इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर जरूर कीजिए और हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारे साथ कौन है इस वक्त, हमारे साथ हैं जी सैयद मोहसिन। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह वबरकातुहू, सैयद मोहसिन शाह साहब आपको मेरी आवाज आ रही है? मोहसिन भाई आपको मेरी आवाज आ रही है? सर आपकी आवाज नहीं आ रही है, आप अगर मुझे सुन पा रहे हैं तो दोबारा ज्वाइन करें, बाहर जाएंगे क्रोम से बाहर निकल के आपकी दोबारा आवाज ठीक आ जाएगी अगर मेरी आवाज आपको आ रही है। मोहसिन मोहसिन भाई आपको मेरी आवाज आ रही है? सर हैंड फ्री उतार दीजिए आपकी आवाज ठीक हो जाएगी। मोहसिन भाई आपको मेरी आवाज आ रही है? बात कीजिए जी। सर जी आपकी आवाज आ रही है? आपकी आवाज बिल्कुल ठीक आ रही है, आगाज कीजिए, बिस्मिल्लाह कीजिए। सैयद मोहसिन शाह हमारे साथ हैं जी, 20 साल उम्र है और दादू सिंध से इनका तलक है जी, आगाज कीजिए, एक अस्थाई और एक अंतरा सुनाना है। वो सुए नज़ार खेलते हैं, सुए नज़ार खेलते हैं, उस गली का गदा हूँ मैं जिसमें उस गली
जानता हूँ मैं किस में मांगते ताज का खेलते हैं मांगते ताज का खेलते हैं माशाल्लाह जी सैयद मोहसिन मोहसिन शाह साहब हैं हमारे साथ उम्र है 20 साल और दादू सिंह से इनका तालक है जी हसान भाई क्या कहेंगे जी माशाल्लाह सबसे पहले तो खुशामदीद सैयद साहब को कि वो हमारे इस कसम का हिस्सा बने उन्होंने जो कलाम मुंतखब किया वो सुबह लाला पार करते हैं और इंतहाई हमेशा अपने सरशारी में ले वाला कलाम है आला हज़रत इमाम हफ़ीज़ खान बरेलवी रहमतुल्लाहि तआला अलैह का। उन्होंने जिस कंपोजिशन का इंतखाब किया मैं समझता हूँ वो कंपोजिशन जो है स्नाप की और भी कंपोजिशन है उनको कोई और कंपोजिशन सेलेक्ट करनी चाहिए थी क्योंकि ये एक मुकाबले के लिए ये ला रहे थे कलाम को। बाकी वो इन्होंने कंपोजिशन पढ़ी इसमें भी अठारह में जब ये गए हैं तो उसमें स्केल से उतर गए उस गली का गदा हूँ मैं जिसमें उसमें स्केल का प्रॉब्लम आ रहा है स्केल से इन्होंने अस्थाई उठाई है पर अंतरा उन्होंने नहीं पढ़ाई तो बाकी अल्लाह ताला इनकी तौफीकात में इजाफा फरमाए। नात से वाबस्तगी ही सबसे बड़ा एजाज है किसी शख्स के लिए भी तो नात से वाबस्ता है हमारे जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं सब नात से वाबस्ता हैं ये सबसे बड़ा एजाज है अल्लाह ताला ये वाबस्तगी हमेशा कायम रखे और इस मोहब्बत को हमेशा हमारे आमीन अल्लाह आमीन जी हुसैन अहमद साहब की तरफ पढ़ते हैं जी हुसैन अहमद साहब क्या कहेंगे जी मैं इनका नाम नहीं सुन पाया इनका नाम आप रिपीट कर दीजिए जी सैयद मोहसिन शाह साहब हैं उम्र है 20 साल और दादू सिंध से इनका तलक है सैयद मोहसिन शाह साहब सैयद मोहसिन मोहसिन जी जी होता इस तरह है कि कलाम जो शायर तख्लीक करता है तो उसके जहन में भी एक माहौल होता है एक सिचुएशन होती है उसको मद्देनजर रख के कंपोजिशन बनाई जाती है अगर उसको मद्देनजर ना रखा जाए तो कंपोजिशन में असर नहीं होता कलाम में जो डिमांड होती है उस उन्हीं सुरों के मुताबिक उसी राग में कंपोजिशन की जाए जिस जैसा तासर होता है कलाम में तो यहाँ जो ये कंपोजिशन है ये बस ये मैं समझता हूँ कि इन्होंने खुद ही इनकी खुद साख्ता कंपोजिशन है किसी उस्ताद आदमी ने ये कंपोजिशन नहीं बनाई और उन्होंने ये पेश की है जो कलाम बहुत खूबसूरत है सिर्फ ये है कि कंपोजिशन इनकी पेशकश इनकी अच्छी है जी बहुत शुक्रिया अनंत साहब और अकील साहब आप क्या कहेंगे अकील मलिक साहब शायद एक दफा फिर अकील मलिक साहब का इंटरनेट का इशू है तो हम आगे बढ़ते हैं वो अपना रिजल्ट काउंट कर लेंगे तो देखते हैं इस वक्त हमारे साथ कौन है जी प्यारे भाई मोहम्मद जावेद इकबाल साहब हैं जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू मोहम्मद जावेद इकबाल क्या आपको मेरी आवाज आ रही है मोहम्मद शबाब कादरी हैं जी हमारे साथ अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू प्यारे भैया आपको आवाज़ आ रही है मेरी कितने दोस्त इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं सब दोस्तों को खुशामदीद बड़ी ही प्यार से बड़ी ईमान से आपकी आवाज़ के इस प्लेटफॉर्म पर खुशामदीद कहता हूँ प्रोग्राम बिलाल रसूल में आप दोस्तों को खुशामदीद कहता हूँ
और जो नए दोस्त हमारे साथ जुड़े हैं काइंडली इस लाइव को शेयर कर दीजिए और लाइक जरूर कीजिए। शबाब साहब आपको मेरी आवाज आ रही है? एक दफा फिर मैं आप सब दोस्तों से रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने इंटरनेट को मजीद ठीक करके आए। जी जावेद भाई आपको आवाज आ रही है? हसान भाई ये जवेद साहब हैं जो कल भी इन्होंने ऑडिशन दिया था, कल भी इनके इंटरनेट का इशू था तो इन्होंने आज रिक्वेस्ट की थी कि आज मैं दोबारा मेरा इंटरनेट का इशू है तो मैं आज दोबारा ऑडिशन देना चाहता हूं, तो आज भी इनके इंटरनेट का इशू आ रहा है तो क्या किया जाए? जी अभी आप अगले कंटेस्टेंट्स को लेके आए, अगर उनका बेहतर हो जाता है तो ठीक है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह बरकात। शबाब भाई आपको आवाज आ रही है मेरी? शबाब भाई आपको मेरी आवाज आ रही है? लोड शेडिंग का शिकार लग रहे हैं। ये मोहम्मद शबाब कादरी साहब हैं, आजाद कश्मीर से इनका ताल्लुक है, मीरपुर आजाद कश्मीर, उनकी तरफ भी इंटरनेट का इशू है तो शायद वो अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह बरकातहू। प्यारे भाई आगाज कीजिए, बिस्मिल्लाह कीजिए। जी मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल ठीक आ रही है आपकी आवाज, आगाज कीजिए। बिलाल भाई मेरी आवाज आ रही है आपको? जी आपकी आवाज आ रही है, आवाज कीजिए, बिस्मिल्लाह कीजिए। जी नेटवर्क काफी आपकी आवाज आ रही है? नेटवर्क के काफी प्रॉब्लम है इस वजह से। मेरी आवाज आ रही है? जी जी आपकी आवाज आ रही है, बिस्मिल्लाह करें। जी शुभा भाई मैं फिर से माजरत खाऊं कि आपकी तरफ इंटरनेट का बहुत ज्यादा इशू है, अब मैं क्या कर सकता हूँ भाई, माजरत से। जावेद इकबाल भाई आपको मैं एक बार फिर लेने की कोशिश करता हूँ अगर आपकी आवाज ठीक हो जाती है। स्टिल आपका भी इशू है। अच्छा जी जुनैद अफजाल साहब है हमारे साथ, सर इनके इंटरनेट का मुसलसल इशू आ रहा है तो क्या किया जाए? ये हमारे आखिरी दोस्त हैं। जी जावेद भाई आपको मेरी आवाज आ रही है? स्लो है बहुत इनका कनेक्शन। माजरत खां है जावेद भाई और शबाब भाई, आपका इंटरनेट का बहुत ज्यादा इशू है। और हाफिज उस्मान साहब ने हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह वरकातहू। हाफिज उस्मान साहब कैसे हैं? वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह सर आप सुनाएं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। आपने किस नाम से रजिस्ट्रेशन करवाई थी प्यारे भाई? सर उस्मान अली के नाम से। उस्मान अली कहाँ से बात कर रहे हैं? जी फैसलाबाद से। उस्मान अली फैसलाबाद से इनका ताल्लुक है जी, उम्र है 26 साल। जी बिस्मिल्लाह कीजिए, एक अस्थाई और एक अंतरा सुनाना है आप। हाँ
करम आज बालाए बाम आ गया है करम आज बालाए बाम आ गया है जुबान पर मुहम्मद का नाम आ गया है जुबान पर मुहम्मद का नाम आ गया है कदम आज बालाए और मजा तब है सरकार महाशय में कह दे मजा तब है सरकार माशर में कह दे वो देखो हमारा गुलाम आ गया है वो देखो हमारा गुलाम आ गया है जुबान पर मुहम्मद का नाम आ गया है करम आज बालाए माशाल्लाह माशाल्लाह जी हसन भाई हमारे साथ हैं उस्मान अली और उम्र है 26 साल जी, उस्मान अली आप जरा अंतरा दोबारा पढ़ सकते हैं अंतरा एक बार दोबारा उठाइए जी मजा तब है सरकार महाशय में कह दे हाँ भाई शायद उनके इंटरनेट का थोड़ा सा इशू आ गया स्टक हो गया इंटरनेट हसन भाई क्या आपको मेरी आवाज आ रही है अच्छा सैनम साहब आपको मेरी आवाज आ रही है
सर क्या कहेंगे सर? बहुत मुश्किल कंपोजिशन का इंतखाब किया उन्होंने, आलाप बहुत अच्छा किया, आलाप से ही राग की शक्ल वाजह हो गई, और लेकिन अंतरा में उन्होंने जो है वो सुर सही नहीं लगाए और अल्फाज की अदायगी भी आ गया भी जो है इनका मुझे सही वाजा नहीं समझ आई कि वो तलफ़ुज़ इनका अदायगी इनकी दुरुस्त नहीं। बाकी जहाँ तक इनकी कंपोजिशन है वो बहुत खूबसूरत है और कलाम का इंतखाब भी बहुत खूबसूरत है, लेकिन अंतरा जो है इनका वो वाजह नहीं है। जी बहुत शुक्रिया जी। अकील मलिक साहब क्या कहेंगे? आलाप से तो लग रहा है कि ये सुर में बड़े पक्के हैं, लेकिन शायद थोड़ी सी घबराहट का शिकार हुए और बाद में थोड़े से सुर जो है वो पीछे हुए। इसी वजह से हसन भाई ने इनको कहा था कि दोबारा आप सुनाएं, लेकिन वो शायद उनके यहाँ नेटवर्क का प्रॉब्लम है जिसकी वजह से वो दोबारा सुना नहीं पाए। अगर वो जुड़ सकते हैं तो हसन भाई वो दोबारा सुना दें उसको। उस्मान अली जी। जी सर। सर दोबारा सुनाना चाहेंगे? जी सर कहते तो मैं सुना देता हूँ। अंतरा आप दोबारा सुना दीजिए। जी मैं सुना देता हूँ। अगर आप घबरा रहे हैं तो आप घबराए ना, बिल्कुल ऐसे जैसे आप भाइयों में बैठ के आप नाच सुना रहे हो, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये जजेस आपको गाइड करेंगे, आपकी मदद करेंगे, तो बिल्कुल आप खुल के नाथ पढ़िए। बिस्मिल्लाह कीजिए। अंतरा सुनाना है आपने जी। मजा तब है सरकार महाशय कह दे मजा तब है सरकार महाशर में कह दे वो देखो हमारा गुलाम आ गया है, वो देखो हमारा गुलाम आ गया है, जुबान पर मुहम्मद का नाम आ गया है, करम आज बालाए। माशाल्लाह माशाल्लाह जी। हसन भाई और अकील मलिक साहब, एक तो इनका तलफ्फुज थोड़े से दुरुस्त नहीं है, जैसे ये इन्होंने मैशर को महाशर अदा किया है, मालूम नहीं कि वो उससे पीछे इन्होंने क्या लफ्ज लगाया था जिसकी वजह से जाहिर है वजन को पूरा करने के लिए फिर महाशर करना पड़ेगा उन्होंने, यानी कोई ना कोई लफ्ज उनसे मिस हुआ है। तो तलफ्फुज मेरे भाई आप ज़रूर तवज्जो करें, क्योंकि नात खान हो कोई भी जो सिनफ सुफन से ताल्लुक रखने वाला आदमी है उससे लोग सीखते हैं, और आप के एक पूरे वसी तबके को मुतासर कर रहे होते हैं, तो आपकी ज़ुबान जो है वो आवाम की ज़ुबान जाकर बनती है।
تو اگر آپ اپنی زبان کا درست استعمال نہیں کریں گے تو لوگ سیکھیں گے نہیں. تو آپ یہ ہمیشہ یاد رکھیے کہ آپ پر ایک اہم ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ جو بھی آپ کلام پڑھیں وہ بامانہ ہو اور جو بھی آپ لفظ ادا کریں وہ پوری صحت کے اعتبار سے درست ہو. تو اس کی تحقیق کر لیا کریں, تحقیق ویسے بھی سنت رسول پاک ہے, تو آپ اس کو دیکھ لیا کریں. جب تک آپ اس کو پورا یقین نہ کریں تب تک وہ اپنی زبان سے ادا نہ کیا کریں. جی بہت شکریہ عقیل ملک صاحب. اور آگے بڑھتے ہیں, ہمارے ساتھ ہیں جی جنید افضال. جنید افضال صاحب آپ نے جوائن کیا لیکن آپ کا لنک وہ نہیں ہو رہا, شاید آپ کو ایشو چل رہا ہے. تو جی حسان بھائی آپ دوبارہ آ چکے ہیں, کچھ کہنا چاہیں گے؟ عثمان صاحب کے بارے میں حسان بھائی آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ حسان بھائی کی طرف انٹرنیٹ کا کوئی ایشو ہے اور حسین احمد صاحب آپ کچھ کہیں گے؟ جی جی میں یہی کہوں گا کہ جب نعت خوان بھلا بہت سریلا ہو, کمپوزیشن بہت خوبصورت ادائی, اگر وہ تلفظ کی غلطی کرتا ہے تو پھر وہ ایک وہ سارا جو ہے اس کا وہ کریڈٹ ضائع ہو جاتا ہے جو سر لے سے وہ پڑھتا بھی ہے, لیکن ایک دو جگہ پہ وہ ادائیگی اور تلفظ کی غلطیاں کرتا ہے تو پھر وہ مقابلے سے یہی سمجھے کہ وہ خارج ہی ہے مقابلے سے, کیونکہ تلفظ بہت امپورٹنٹ ہے, اہمیت کا حامل ہے. تلفظ کی غلطی کوئی بھی جو ہے نا وہ جو ہے وہ اسے کسی طرح بھی جو ہے درگزر نہیں کیا جا سکتا, تو یہ بہت بڑی خامی ہے. جی بہتر فرمایا آپ نے, بہت شکریہ. اور میں آپ کو دوبارہ لے رہا ہوں, اب آپ کو میری آواز ٹھیک آ رہی ہے؟ جی جی بالکل صحیح آ رہی ہے. جی بسم اللہ کیجیے, ایک استائی اور ایک انترا. جی جی آ رہی ہے مجھے آواز آپ کی. رکھ لیں وہ مجھے دربان وغیرہ, رکھ لیں وہ مجھے در پہ دربان وغیرہ, پھر کیا ہے میرے سلطان وغیرہ, آقا کی چٹائی کی تو وہ شان ہے واللہ, آقا کی چٹائی کی تو وہ شان ہے واللہ, کہ بس نام کے تخت سلیمان وغیرہ, بس نام کے تخت سلیمان وغیرہ, رکھ لیں وہ مجھے ذاکر. بہت شکریہ جی. جی حسین احمد صاحب کیا کہیں گے؟ محمد جاوید اقبال, عمر ہے 18 سال اور اٹیک سٹی سے انتقال کا تعلق ہے.
माइक मेरा जी, ये मोहम्मद जावेद इकबाल साहब ने जो कंपोजिशन नात सुनाई हमें, कलाम तो बहुत खूबसूरत है लेकिन इन्होंने अपना टेम्पो जो है थोड़ा सा फास्ट थोड़ा सा तेज रखा है, जबकि इस कंपोजिशन की डिमांड ये है कि इसको थोड़ा सा बिठा के पढ़ा जाता है ताकि पूरे सुर जो हैं वो इस्तेमाल हों, तो इन्होंने थोड़ा सा टेम्पो को बढ़ा दिया है जिससे सुर की पूरी अदायगी नहीं हुई, वो कंपोजिशन का हुस्न बरकरार नहीं रहा और थोड़ा सा तेज़ पढ़ने की वजह से ये उसमें रचाव पैदा नहीं कर सकते। कलाम बहुत खूबसूरत है, कंपोजिशन भी बहुत खूबसूरत है, लेकिन यह है कि ये वहाँ वैसा पढ़ नहीं सकते। बहुत जी बहुत शुक्रिया जी। हसान भाई क्या कहें, हसान भाई क्या कहें जी? मैं उनका कलाम मुकम्मल तौर पर सुना, अस्थाई मैंने सुनी है और इख्तितामिया सुना है, लेकिन जो मैंने सुना है उसमें वाकई मुझे वो टेम्पो वाला इशू जो है वो नज़र आ रहा था, जैसे कि हुसैन भाई ने किया। बाकी मैं रिकॉर्डिंग सुनूंगा, उसके बाद मैं मार्किंग जो है वो राय के बाद भी उसके बाद भी कर सकता हूँ। जी बहुत शुक्रिया जी। अकील मलिक साहब आप कुछ कहना चाहेंगे? अकील मलिक साहब की तरफ शायद इंटरनेट का इशू है, तो वो रिकॉर्डिंग देख के जो है अपना रिजल्ट कर लेंगे। हमारे साथ हैं जी इस वक्त सैयद मोहम्मद इकबाल साहब, सैयद मोहम्मद इकबाल कादमी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह व बरकातहू। सैयद मोहम्मद इकबाल कादमी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह व बरकातहू। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह व बरकातहू। प्यारे भाई अपना कैमरा ऑन कर लीजिए। क्या हाल है भाई? प्यारे भाई अपना कैमरा ऑन कर लीजिए। यहाँ पर लाइट भी है नहीं तो मैं ऑन कर देता हूँ। चल बस ठीक है, माशाल्लाह बहुत जबरदस्त आगाज कीजिए, बिस्मिल्लाह कीजिए। बस ठीक है माशाल्लाह बहुत जबरदस्त आगाज कीजिए, बिस्मिल्लाह कीजिए। एक अस्थाई और एक जी ठीक है जनाब। सबसे पहले मशीयत के अनवार से नक्शे रूए मुहम्मद बनाया गया, फिर इसी नक्श से ले के कुछ रोशनी बज में कौन मकान को सजाया गया, वो मोहम्मद भी अहमद शायद उनका इंटरनेट का इशू है तो इंटरनेट उनका स्टक हो गया। एहसान भाई मोहम्मद इकबाल शाह साहब थे, उम्र है 19 साल और डेरा इस्माइल खान से इनका तल्लुक था, तो कुछ कहना चाहेंगे? जी माशाल्लाह उन्होंने जो कलाम मुंतखब किया था बहुत अच्छा कलाम था, जी सुनना चाह रहा था। उनका इंटरनेट का शायद इशू है तो वो स्टक हो गए, शायद वो स्ट्रीम से आउट हो चुके हैं, तो अगर दोबारा आते हैं तो फिर हम उनको ले सकते हैं। जी हुसैन अहमद साहब तब तक आप कुछ कहना चाहेंगे? जी इनका नाम मोहम्मद इकबाल शाह साहब। जी मोहम्मद इकबाल शाह, इकबाल शाह जी। जी मोहम्मद इकबाल शाह साहब ने कंपोजिशन और कलाम का बहुत बड़ा इंतखाब किया है, लेकिन मैं समझता हूँ कि मंजूरुल कुनैन साहब का की अदायगी हमारे जनों में है उनकी, तो वो एक रचाव ऐसा बना हुआ है कि कोई उससे कम सुर लगे तो अजीब सा फील होता है। इसमें यही होता है कि आप बहुत अच्छे नात खान की कॉपी करें और उसका हक अदा अगर ना करें तो बहुत ज़्यादा फील होता है। अगर आप वैसा पढ़ लें तो फिर तो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह होती है। अगर आप उससे कम
पढ़ें तो वो एक ज़ेन मानता नहीं है इस बात को, ये थोड़ा सा मसला होता है जो नाथ खान की कॉपी करने से, ये है कि वो पहले से सुना होता है हमने तो वो फिर हमारा जो है ज़ेन नहीं तस्लीम करता। तो इन्होंने जो एक आध सुर जो है वो अच्छा नहीं लगाया, जो जितना भी मैंने सुना है भरपूर नहीं लगा। जी सैयद मोहम्मद इकबाल साहब दोबारा ज्वाइन कर चुके हैं, तो अगर आप अंतरा सुनना चाहते हैं। जी बिल्कुल सुनना चाहिए अंतरा पढ़ो। वो मोहम्मद भी अहमद भी महमूद भी हुस्न मुतलक का शाहिद भी मशहूद भी, वो मोहम्मद भी अहमद भी महमूद भी हुस्न मुतलक का शाहिद भी मशहूद भी। हिकमत में वो गैर महदूद भी ज़ाहिरन उम्मियों में उठाया गया, नक्श से ले के कुछ रोशनी बज़्म को नुमकान को सजाया गया। माशाल्लाह बहुत खूब जी। हसान भाई क्या कहेंगे? मैं अब क्या कहूँ यार, ये जो दरमियान में एक अनफॉर्चुनेट वक्फा आया है ना, गैप आया है, इसकी वजह से मेरे ख्याल में सैयद इकबाल जो हैं वो कुछ हो गए, और उन्होंने स्केल जो है वो अंतरा दूसरे में के लिए बहुत नीचे वाला रख लिया। जहाँ पे उन्होंने स्थाई पढ़ी थी पहले पार्ट में वो स्केल और था, और अब जो स्केल था वो बहुत नीचे था, इसलिए ना रचाव हुआ है ना कुछ हुआ है। मेरे ख्याल में ये इकबाल शाह साहब बहुत अच्छा पढ़ सकते हैं इस कलाम को, और बहुत अच्छा पढ़ते होंगे, लेकिन आज इस कटिंग की वजह से, दरमियान में वक्त आ जाने की वजह से वो बात नहीं बन सकती। बस सर अगर चाहे तो हम इसी कलाम की हम जो है वीडियो इनसे मंगवा सकते हैं, अगर आप सुनना चाहें तो वीडियो मंगवा लेंगे। मेरे ख्याल में ऐसे हो जाना चाहिए, इनसे वीडियो मंगवा लें, ये अस्थाई और अंतरा पद के लिए फिर हम। इकबाल शाह साहब मैं आपको ले रहा हूँ, तो आप अपनी एक अस्थाई और एक अंतरे की वीडियो बना के हमें जो है वो व्हाट्सएप कर दीजिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। शाह साहब आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी जी जनाब बिल्कुल आ रही है। सर आपने अपनी एक अस्थाई और एक अंतरा इसी नात का जो है वीडियो बना के आपने हमें सेंड करनी है, ठीक है? कल तक या आज सेंड करनी है? सर कल कर दें। ठीक है जनाब जरूर, लेकिन अभी आपका गला मेरा ख्याल है ठीक होगा, सुबह आप उठेंगे तो फिर वो नहीं, गला माशाल्लाह अभी भी ठीक है, लेकिन बस वो रात का टाइम है ना, तो इसलिए ज्यादा मैंने पहुंचा नहीं। आपको ऐसे करना चाहिए था ना। अच्छा बात ये है कि आपने जो अगर चाहें तो भी मैं दोबारा पढ़ देता हूँ, दोबारा अभी पढ़ सकते हैं तो बेहतर है, वरना आप वीडियो भेज दें। जी जनाब मैं दोबारा पढ़ देता हूँ। इकबाल शाह साहब आप वीडियो भेज दीजिए, ये बेहतर रहेगा, क्योंकि वो जैसे आप बता रहे हैं आपके पास बच्चों का जो इशू है तो वो मुनासिब रहेगा, जजेज आपको बेहतर सुन सकेंगे।
ठीक है जनाब, इंशाल्लाह मैं कल फिर वीडियो भेज दूंगा। जी बहुत शुक्रिया, सलामत रहें। सलामत रहें। वालेकुम सलाम। ठीक है जनाब। जी हसन साहब। जी हसन भाई क्या कह रहे हैं? मैं सिर्फ ये पूछना चाह रहा था कि जब मैं डिस्कनेक्ट हुआ था तो आपके नाम लिया था जुनैद अफजाल, वो पढ़ गए थे? नहीं, उन्होंने नहीं पढ़ा। मैं जुनैद अफजाल को लेने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन वो आ नहीं रहे, ऑप्शन ही मेरे पास नहीं आ रहा। जी ठीक हो गया। जी ठीक हो गया। आप सैनम जस्ता से पूछ रहे थे। जी है कि जो जवेद साहब ने ये पढ़ा था ये कलाम आखिरी क्या? जी मोहम्मद इकबाल शाह साहब ने। हाँ जी मोहम्मद इकबाल शाह। एक्चुअली ऐसा है कि उन्होंने अखरज इनका जो है ना वो दुरुस्त नहीं था, अखरज जो इन्होंने बहुत नीचे रख लिया है, इसकी वजह से इन्हें नीचे आने में बहुत दुश्वारी होती थी, पूरे पूरे इनके हलक से निकल नहीं रहे थे, अदा नहीं हो रहे थे लफ्ज़ जो है पूरे, वो भी रहे थे लेकिन वो कच्चे सुर लग रहे थे। अगर ये एक सुर ऊपर इनका खरज होता तो ये बहुत आसानी से जो है ना कंपोजिशन पढ़ सकते। जी बहुत शुक्रिया सैनंदर साहब। और क्या कहना चाहेंगे कि मलिक साहब आप इस इकबाल शाह साहब के बारे में? मैं पिछले जो दो गुजरे हैं मैं नहीं देख पाया, तो वीडियो वो सेंड करेंगे तो देख लेंगे इंशाल्लाह। चलें बहुत शुक्रिया। तो इसी के साथ मैं अपने जजेस को भी और अपनी ऑडियंस को भी बताता चलूं कि हमारे जो ऑडिशन के जो हिस्से थे जो सेगमेंट थे वो ख़त्म हो चुके हैं, आज से हमारे ऑडिशन कम्प्लीट हो चुके हैं। तो जजेस इस हवाले से कुछ कहना चाहेंगे? जी माशाल्लाह मैं बहुत खुश हूँ माशाल्लाह कि अब तक जो हमारे पास उसमें हमें हीरे मिले और हम जिस कोशिश में जुटे हुए थे हम उसमें भरपूर तरीके से कामयाब हुए और मुझे उम्मीद है कि हमें बहुत अच्छा मुकाबला आगे देखने को मिलेगा जो मरकजी मुकाबला होगा जिन अफराद को सेलेक्ट किया जाएगा, उनमें मुकाबला बहुत कड़ा होने वाला है और हमारे लिए बहुत बड़ा इम्तिहान साबित होगा। जितने भी प्रोग्राम जब आगे अल्लाह हम सब कुछ में कामयाबी अता फरमाए और इंसाफ की रस्सी हमें थामे रखने की तौफीक अता फरमाए। जी बहुत शुक्रिया हसन भाई। एक मैसेज नीचे कमेंट आया है कि जो दोस्त नेटवर्क की वजह से नात नहीं सुना सकते तो वो क्या वीडियो सेंड कर दें? मेरे ख्याल में ऐसे हो सकता है लेकिन ये इस अश्योरिटी के साथ होना चाहिए कि आगे भी प्रोग्राम्स के अंदर अगर वो सिलेक्ट हो जाते हैं तो ये नेटवर्क वाला इशू जो है ये परसिस्ट ना करे। अगर इस इशू ने परसिस्ट करना है तो फिर ये कोशिश जो है ये एक फजूल कोशिश होगी। उनको चाहिए कि अगर साथ करते हैं और उनको हम अलाउ करते हैं कि वो वीडियो भेजें तो उसके बाद वो मुकम्मल तौर पर इस बात को यकीनी बनाएं कि नेटवर्क का इशू उनका आगे नहीं हो। जी मैं भी यही कहने वाला था कि अगर तो वो एश्योरिटी देते हैं कि उनके नेटवर्क का इशू नहीं होगा, क्योंकि अगर जब फाइनल मुकाबले में फ़र्ज करें कि उनमें से कोई एक आदमी आ जाता है सामने और उसका उसी तरह रहता है मसाला कायम रहता है तो फिर ऐन मुमकिन है कि वही आदमी एक्चुअली डिज़र्व करता हो लेकिन हम उसको जज ना कर पाएँ और फिर इंसाफ के तकाजे भी पूरे नहीं होंगे। तो इस वजह से बेहतर यही है कि आप अश्योरिटी के साथ आप ज़रूर सेंड कर दें लेकिन ये बात जहन में रखिएगा कि जब अगर कोई उनमें से कोई सिलेक्ट हो जाता है तो फिर अश्योरिटी देगा कि आइंदा जो मुकाबले होंगे उसमें उनका नेटवर्क जो है वो उसकी स्पीड जो है वो बेहतर होगी अच्छी होगी ताकि हम उनको सब सुन पाएँ। जी दुरुस्त फरमाया आपने। अकील मलिक साहब ऑडिशन का आज इख्तिताम पज़ीर हो चुका है जैसे कि सारे मराहिल खत्म हो चुके हैं तो इस हवाले से कुछ कहेंगे?
आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच रही सर। अकील मलिक साहब, मैं कह रहा था कि ऑडिशन, जैसे ऑडिशन के मराहिल खत्म हो चुके हैं, तो इस हवाले से कुछ कहेंगे? जी अल्हम्दुलिल्लाह, एक परेशानी की सूरत हाल तो थी, एक बहुत तकरीबन 75 के करीब जो दोस्त नाथान थे उन्होंने अपने सआदत में हिस्सा डाला और उनको तौफीक अता हुई और हमें भी ये तौफीक अता हुई कि हमने उनको सुना और नाते रसूल मकबूल को हम इंशाल्लाह आइंदा भी सुनते रहेंगे और ये सआदत हासिल करते रहेंगे। और ये बड़े खुशाइंद बात है कि जो हम आगे लेकर चले थे, एक थीम लेकर चले थे, तो इंशाल्लाह वो आवाज़ें हमें नज़र आ गई हैं और एक बहुत टफ टाइम जजेस को मिलने वाला है। और यही सबसे ज़्यादा खूबसूरती की बात होती है कि जब कोई कंटेस्टेंट जो है वो सामने आए और जज उसको जज कर रहे हों और वो एक जजेस के लिए भी एक चैलेंज की सूरत इख्तियार कर जाए, तो एक्चुअली मुकाबला तो उसी को कहते हैं। फिर न सिर्फ ये जजेस के लिए होगा बल्कि वो लोग जो उनके साथ मुकाबला कर रहे होंगे उनके लिए भी एक चैलेंज की सूरत हाल होगी, क्योंकि जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे तो आवाज़ें जो हैं वो बिल्कुल सामने और अच्छी आवाज़ें बिल्कुल सामने आती जाएंगी, तो हर दो के लिए जो है वो एक टफ टाइम आने वाला है। तो अल्लाह हम सबको इंसाफ की रस्सी जो है वो मजबूती से थामे रखने की तौफीक अता फरमाए और बुनियादी तौर पर किसी की दिल आज़ारी या हांट करना नहीं है हमारा मकसद। मकसद ये है कि हम एक अच्छे नात खान को सामने लेकर आए और वो आवाज़ जो कहीं छुपी हुई है हम उससे क्यों महरूम हो जाएं। तो ये एक कोशिश है, आइंदा भी इसी तरह की कोशिशें हमारी तरफ से जारी रहेंगी और आप सब दोस्तों का तावन साथ रहा तो इंशाल्लाह हम इसी तरीके के बहुत सारे प्रोग्राम जो हम तरतीब देते रहेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हमारी तौफीकात में, हम सब की तौफीकात में इजाफा फरमाए। आमीन आमीन। बहुत शुक्रिया अकील मलिक साहब। और जी हुसैन अहमद साहब, आप कुछ कहना चाहेंगे? आज ऑडिशन हमारे कंप्लीट हो चुके हैं इस हवाले से। मैं इतना कहूंगा कि ये वीडियो का जो है वो नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये लाइव परफॉर्मेंस है उसमें और वीडियो में बहुत फर्क है। सामने बच्चा जब आता है उसका माइंड सेट हम तो चूँकि ये ऑडिशन है तो ऑडिशन का मकसद फौत हो जाता है और ये वीडियो वाली रस्म मेरा मशवरा है जैसे आप बेहतर समझे नहीं होनी चाहिए। आगे इंशाल्लाह बहुत अच्छा जो है वो सिलसिला चलेगा हमारा, और चूँकि बहुत पढ़ने वाले जो आवाज़ें मैंने सुनी हैं बहुत टफ मुकाबला होगा इंशाल्लाह और लुत्फ आएगा सुनने में और उनको नंबर देने में बहुत सोच विचार करनी पड़ेगी इंशाल्लाह। और मैं आप जजेस को भी और हमारी जितनी ऑडियंस है उनको बताते चलूँ कि आज हमारे अकील मलिक साहब जो हैं इनकी खाला बहुत हो चुकी हैं, उनका इंतकाल हो गया है आज दिन को, तो आज असर के बाद उनका जनाजा था। और हसान भाई से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि वो उनके लिए मगफिरत के लिए दुआ फरमा दें, और बाकी हमारे जितने भी नाज़रीन हैं उनसे भी रिक्वेस्ट करूंगा उनके लिए खुसूसी दुआ कीजिए। जी हसान भाई दुआ फरमा दें। اللهم صل على سيدنا محمد وعلى محمد وعلى سيدنا محمد وسلم عليه اللهم انت السلام وانت السلام عليك يا جو السلام ايتنا ربنا بالسلام وادخلنا الجنه بعدنا بارك ربنا وتعالى يا ذا الجلال والاكرام یا الہ العالمین آج کی یہ محفل کی ہے ہم نے کوشش کی ہے جو آڈیشنز ہوئے ہیں حضرت حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کلام پیش کرنے ہیں میرے مولا سب اپنی بارگاہ میں قبول و منظور یا الہ العالمین تیری بارگاہ میں تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا خصوصی وسیلہ پیش کرتے ہوئے یا کہتے ہیں میرے مولا کہ عقیق بھائی کی خالہ جو کہ اس فانی سے ٹوٹ کر گئی ہیں مولا ان کو کامل بخشش عطا کرنا، یا الہ العالمین ان کو کامل مغفرت عطا کرنا، مولا ان کو جوار رحمت پہ جگہ عطا کرنا، ان کو سر پر جنت الفردوس کی ہوائیں نصیب فرمائیں،
یہ مرحلہ بہت مشکل ہوا کرتا ہے، بہت بڑا امتحان ہوا کرتا ہے، اتنے بڑے زخم پر مرہم تیری ہی رحیم کریم ذات کا انکاسہ ہے مولا، تمام کو سب جمیل عطا فرمائے، ان کے اولاد کو صدقہ جاریہ عطا فرمائے، ہماری تمام دعائیں ہمارے حق اور مرحومہ کے حق میں، مرحومہ کے لباسین کے حق میں بارگاہ میں قبول منظور فرمائے، اور ہمارے کنٹیسٹنٹ کا حصہ یقین ہے یا الہ العالمین سب کی کاوش کی بارگاہ قبول منظور فرما، اور ان کاوشوں کو ان کوششوں کو ہمارے لیے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی انتہاد کا کامیابی کا سبب بنا، آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین وصلی اللہ تعالی علی سیدنا وزینۃ الشریفین علی آلہ واصحابہ اجمعین بہت شکریہ سعد بھائی، حسین امجد صاحب اور اکیل ملک صاحب، آپ ہمارے اس پروگرام کا اثاثہ ہیں، ہمارے سروں کا تاج ہے، آپ کے بغیر یہ کمپٹیشن کبھی بھی نہیں ہو سکتا تھا، آپ اپنا خصوصی وقت نکالتے ہیں اور ہماری اس محفل کو چار چاند لگاتے ہیں، اور جتنے بھی ہمارے اس میں پارٹیسپینٹ تھے ان سب کا بھی بہت شکریہ، آڈیشن کا یہ سلسلہ ختم ہو چکا ہے، انشاءاللہ جلد ہی لسٹیں فراہم کر دی جائیں گی، جو لوگ سلیکٹ ہوں گے وہ آگے مقابلہ میں آگے جائیں گے اور انشاءاللہ ڈیٹس بھی اناؤنس کر دی جائیں گی۔ جی اکیل صاحب اور کچھ کہنا چاہیں گے یا احسان بھائی یا حسین احمد بھائی؟ بہت شکریہ جی، جتنے بھی دوست ہمارے ساتھ جڑے ہیں سب دوستوں کا، اور اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھیں، اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے سامان میں رکھیں، بہت سی دعائیں آپ سب کے لیے، آپ کی ٹیم جی جی سان بھائی آپ بات کر رہے تھے، جی بالکل، بس میں یہی کہہ رہا تھا کہ آپ سب کے لیے بہت سی دعائیں ہیں، بہت اچھا لگا ہے، اور انشاءاللہ مجھے پوری امید ہے کہ یہ مقابلہ آگے آنے والوں کے لیے مشعل راہ بنے گا، یہ ٹرینڈ سیٹر ہوگا انشاءاللہ، اس کے بعد ایک ٹرینڈ چلے گا اس کے حوالے سے، ناتھانی کے حوالے سے، تہواری کے حوالے سے، انشاءاللہ ہمیں اس کے اثرات آگے بھی دکھائی دیں گے، سلامت رہیں، بڑی مہربانی، بڑی مہربانی۔ جتنے دوست مجھے سن رہے ہیں جی سب دوستوں کا بہت شکریہ، جو دوست جنہوں نے پارٹیسپینٹ کیا تھا اور جو دوست آگے جائیں گے اور جو رہ چکے ہیں، سب کا بہت شکریہ ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے، اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے سامان رکھیں، اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھیں، خوش رہیں، مجھے دیجیے اجازت اور ہمارے جس کو دیجیے اجازت، زندگی رہے تو ان شاء اللہ پھر ملاقات ہوگی، اللہ حافظ، اللہ حافظ۔